नमस्कार। माता भगवती प्राकृतिक आहार केंद्र की ये प्रायोगिक रसाहार प्रशिक्षण की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शक मित्रों, आइए सुबह सुबह सभी को शुभ सुप्रभात, और हम लोग शुरू करते हैं रसाहार की कक्षा। जैसे वेदों का सार उपनिषद है, ऐसे ही आहार अन्न का जो सार है, सार तत्व है, वह रसाहार है। और रसाहार रोगियों के लिए तो औषधि है, लेकिन स्वस्थ आदमी के लिए भी वह टॉनिक के समान है। रसाहार से हमें जल्दी से पाचन हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, और उसमें बैक्टीरिया मतलब कीटाणुनाशक है, वो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, हमारे अंदर विटामिन्स प्रचुर मात्रा में खनिज क्षार वगैरह भी देता है, और इससे हम स्वस्थ और निरोगी रहते हैं, और 100 साल तक हम बिस्तर पे नहीं लेकिन दौड़ के काम कर सकते हैं। तो आइए इस कक्षा में आज हम ये जो प्रकृति की संजीवनी जिसको कहा जाता है उसके बारे में देखेंगे। उसको कहते हैं ज्वारा, मतलब गेहूँ को बो देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसे गमलों में भी बना सकते हैं, या फिर आप बॉटल को, बड़ी बॉटल जैसे होती है उसको काट के उसमें भी लगा सकते हैं, और 8 गमला आप बो देंगे तो रोज़ आपको नया नया ताज़ा मिलता रहेगा। तो 7 से 8 इंच का ये ज्वारा है, उसको हम काट के ले लेते हैं, अच्छे से धो लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि इसको 2-3 बार धोना है, यहाँ तो हम ऑर्गेनिक रीत से ही बनाते हैं तो उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, तो अच्छे से खाली धो के हमारे भी हाथ धोए हुए हैं, और फिर उसको छोटा छोटा ऐसा महीन काट लेते हैं। काटने के बाद उसको मिक्सी में डालते हैं, फिर उसमें इतना पानी डालना है, 1 गिलास हम बनाना है तो 1 गिलास नाप से डाल देंगे, और ये ज्वारा इतना, 1 मुट्ठी भर ज्वारा आप ले लीजिए और उसको महीन काट के उसमें डाल दीजिए, और मिक्सी में चालू करके उसको पीसना है। ये ज्वारे का रस तैयार हो गया। अब उसको छानना है, तो पहले हम उसको छान लेंगे। उसको कप में निकालते हैं, ये ज्वारे का रस जो बन गया वो स्वाद में फीका रहता है, और वैसे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, और जब आप पियेंगे तो खाली पेट पीना है, मतलब सुबह सुबह आप पहले ज्वारे का रस पी लीजिए, और कम से कम आपको 30-40 दिन कंटिन्यूस आप पियेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई आयरन की गोली नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन 5-7 ग्राम भी है तो ये बढ़ा के आपका 10 से 11-12 mg कर देगा। तो इसीलिए ज्वारा उसको अमृत कहा जाता है, और प्रकृति की संजीवनी जड़ी बूटी है ये। ये बहुत महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम औषधि है। क्यों? क्योंकि उसमें इतने एमिनो एसिड्स होते हैं, और उसमें जो हमारे शरीर का खून है वो 40% ये इसको हरा खून कहा जाता है, मतलब प्रकृति का हरा खून ये ज्वारा है। और इसको पीने से बहुत सारे रोग, जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट का कोई रोग है, या किडनी का रोग है, या आर्थराइटिस है, या हाई बीपी है,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये सभी को वो नियंत्रित करता है, इवन कैंसर जैसे रोग भी नियंत्रित करता है। तो इसको लेकिन कंटिन्यूस पीना है, खाली पेट पीना है, और पीने के बाद भी एक घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। और इसकी मात्रा है, सावधानी में यही है, इसकी मात्रा ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2-3-4 ग्लास पी जाए, लेकिन उसको 100 से 200 ml तक लिया जा सकता है, और बाद में आप एक घंटे के बाद कुछ भी खा सकते हैं। ये हुआ हमारा ज्वारे का रस। और ज्वारा इतना महत्वपूर्ण है कि गेहूँ आप घर में उगा भी सकते हैं, और साथ में उसको पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। बहनों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनका हमेशा हीमोग्लोबिन कम रहता है, तो ये इसके लिए भी अच्छा है। और जो निरोग व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वो भी पिए तो वो 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। हमने ज्वारे के रस के बारे में देखा और उसकी प्रायोगिक जानकारी भी प्राप्त की। अब अगले क्रम में नया रस आहार देखेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।